नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है युवाओं हेतु वैश्विक रोजगार रुझान 2022, युवाओं के भविष्य परिवर्तन में निवेश पर। दोस्तों, यह जानकारी दृष्टि IAS की वेबसाइट से ली गई और अन्य दूसरी वेबसाइट से इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की गई है। बढ़ते हैं इसके बारे में, जानते हैं कुछ जानते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के थोड़ा सा ब्रीफ परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। यानी कि जो त्रिपक्षीय संस्था है वो इस प्रकार से है दोस्तों, कि ये जो सदस्य देश है उनको, सदस्य देशों की सरकारों को, जो नियोक्ताओं जो मतलब कि रोजगार देते हैं, और जो श्रमिक है उन सबको एक साथ लाता है। इस प्रकार से यह तीन पक्ष जो हो रहे हैं यहाँ पर, इन तीनों को एक साथ लाने के कारण इसको त्रिपक्षीय संस्था कहा गया है। और यह जो श्रम मानक निर्धारित करती है श्रमिकों के लिए, जो श्रम मानक किस प्रकार से उनके कार्यालय उनके कार्य जो उनका कार्य होगा श्रमिकों का, उसका पर्यावरण कैसा होगा, उनकी परिस्थितियाँ कैसी होगी, उनकी नीतियाँ कितने घंटे काम कर सकते हैं, न्यूनतम वेतन और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य, उनको बराबरी आदि पर यह अपने कार्यक्रम तैयार करती है, जो ये तीनों संस्थाएं मिलकर तैयार करती है। जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। जो वर्ष 1969 था उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिसमें इसने वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा दिया, विभिन्न देशों के बीच में जो भाईचारा उसे बढ़ावा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से श्रमिकों के लिए भी इसने बहुत कार्य किए थे, उस कारण इसको 1969 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके बारे में कुछ और आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ दोस्तों। इसमें नोबेल शांति समिति ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक काम किया है। जिनेवा में ILO के मुख्य कार्यालय की आधारशिला के नीचे एक दस्तावेज है, जो ILO है उसके कार्यालय का जो मुख्य आधारशिला, उसके नीचे एक दस्तावेज रखा गया था दोस्तों पहले, जिस पर लिखा था कि सी विज एसेम कोल जस्टिटियम, यानी कि इसका अर्थ होता है अगर आप शांति चाहते हैं तो न्याय की खेती करें। इस प्रकार जो ILO है वो ईमानदारी से और अथक रूप से काम करते हुए ILO ने उन सुधारों को शुरू करने में सफलता प्राप्त की, जिन्होंने कई देशों में विशेष रूप से यूरोप में सबसे अधिक अन्याय को दूर किया है। आय का लाभ उठाने और सामाजिक कल्याण की प्रगतिशील नीति के माध्यम से ILO ने अपनी भूमिका निभाई है। इन देशों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। स्थापना के बारे में जानते हैं ILO की। वर्ष 1919 में वर्षाई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। यानी कि जो वर्षाई की संधि हुई थी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के साथ, इसके उसी में ILO की स्थापना हुई थी। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संबंधित एजेंसियों में यह पहली विशिष्ट एजेंसी थी। जानते हैं कुछ वर्षाई की संधि के बारे में। वर्सेल्स या वर्षाई की संधि के कुछ प्रमुख बिंदु। यह संधि अलग अलग खंडों में विभाजित थी जिनके अंदर कई धाराएं शामिल थी। यानी कि संधि के अंदर कुछ धाराएं बनाई गई थी और अलग अलग खंडों में इसको बनाया गया था। जो प्रादेशिक खंड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रादेशिक खंड, उसमें फ्रांस ने अल्सास और लोरेन को वापस पा लिया। यानी जो फ्रांस के इलाके थे जो अल्सास और लोरेन, उसको उसने वापस पा लिया था। यूपेन और मालदेमी बेल्जियम के हाथों में चले गए। पूर्वी क्षेत्रों को पोलैंड ने नष्ट कर दिया था, जिससे पूर्वी प्रूसिया क्षेत्रीय रूप से अलग अलग थलग पड़ गया था। डेंटिंग और मेमेल पूर्व बाल्टिक जर्मन शहरों को मुक्त शहर घोषित किया गया था। डेनमार्क ने उत्तरी शेल्विक होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए और विजेता देशों ने उन्हें वापस ले लिया। जो जर्मनी ने इस प्रकार से जर्मनी को चारों तरफ से अलग अलग देशों द्वारा घेर लिया और उनके उसके जो जो क्षेत्र थे उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सैन्य खंड में आता है दोस्तों। जर्मन नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सेना की संख्या में नाटकीय कमी कर दी गई थी। केवल केवल 1 लाख सैनिकों की अनुमति तथा टैंक, विमान और भारी तोपखाने रखना निषेध किया गया। यानी कि सेना में यह भी कटौती कर दी गई कि आपको सिर्फ 1 लाख सैनिक ही रख सकते हैं, टैंक विमान भारी तोपखाने रखना तो आपको रखना ही नहीं है। राइनलैंड क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया। यानी जो राइनलैंड क्षेत्र था वहां पर सैन्य जो गतिविधियां थी, सैन्य जो वहां पर बने हुए थे उनको हटा दिया गया। इसमें युद्ध सुधार शामिल किए गए। इस संधि ने जर्मनी और उसके उन सहयोगियों को कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जो कि मित्र राष्ट्रों द्वारा पीड़ित थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें युद्ध के
पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया, यानी कि जो हानि और क्षति हुई थी उसके लिए भी जर्मनी और उसके सहयोगियों को दोषी ठहराया गया। इसके अलावा कुछ अन्य संधियां भी हुई थी दोस्तों, इसी में न्योली की संधि हुई थी जो बुल्गारिया के साथ हस्ताक्षरित थी, उसके बाद सेवर्स की संधि हुई थी जो तुर्की के साथ हस्ताक्षरित थी। बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे लिए इसमें यही महत्वपूर्ण था। बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक पर। जो हमारे आईएलओ है उसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जानते हैं जेनेवा को मैप पर कहाँ पर स्थित है। अगर आपको मैप फील्ड का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर स्थान पूछ लिया जाए तो आप उसको भी, अगर हम मैप से उसकी जानकारी देखेंगे तो आप वो आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकेंगे। और वन डे एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यह आपके लिए आसान रहेगा। ये देखते हैं दोस्तों, जिनेवा को अगर 3D में देखें हम वर्ल्ड मैप पर, हम अर्थ पूरे अर्थ पर, तो ये हमारी अर्थ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जेनेवा जो कि यहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, और ये देख सकते हो दोस्तों जेनेवा यहाँ पर, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड में जेनेवा स्थित है। दोस्तों बहुत बार कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वह जब स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछी जाती है तो वह जेनेवा कर देते हैं, जबकि जेनेवा एक महत्वपूर्ण शहर जरूर है स्विट्जरलैंड का, पर राजधानी स्विट्जरलैंड की बर्न है, जेनेवा नहीं। यह बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति इसको गलत करके आ जाते हैं। उसी के साथ बढ़ते हैं और इस मैप में भी देखते हैं दोस्तों, सामान्य मैप में कि आप देख सकते हैं जेनेवा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जेनेवा और ये यहाँ पर, यह है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। उसी के साथ यह देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। और यहाँ पर जब स्पेन और पुर्तगाल जब अफ्रीका के साथ अलग होते हैं अफ्रीका से, तो यहाँ बीच में की एक जिब्राल्टर संधि आती है, इसको जिब्राल्टर संधि कहते हैं, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जो रिपोर्ट है जो जारी की जाती है आईएलओ द्वारा, उनके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। इसमें एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, उसके अलावा एक आती है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2022 करके, अभी जो एक रिपोर्ट आई थी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट आती है दोस्तों इसके द्वारा। उसके अलावा सामाजिक संपद रिपोर्ट भी आती है, और जो एक और अंतिम रिपोर्ट है वो आती है वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जानते हैं वैश्विक स्तर पर आईएलओ की भूमिका। ईपीआर में लैंगिक असमानता, युवा महिलाओं ने रोजगार से जनसंख्या अनुपात में बहुत कम प्रदर्शन किया है, जो यह दर्शाता है कि युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के रोजगार की संभावना लगभग 1.5 गुना अधिक है। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो है उसके हिसाब से जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों की संख्या से अभी कम है और उनका प्रदर्शन कम है, इसलिए जो महिलाएं हैं उनको अभी 1.5 गुना अधिक उनके साथ संभावना है कि वो रोजगार को उनको अच्छा रोजगार मिल सकता है। वर्ष 2022 में 40.3% युवा पुरुषों की तुलना में वैश्विक स्तर पर युवा महिलाओं हेतु 27.4% रोजगार के अवसर होने के अनुमान है। महामारी से प्रभावित युवा रोजगार, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। कोविड-19 महामारी ने 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के सामने कई श्रम बाजार चुनौतियों को बदतर कर दिया है, जिन्होंने वर्ष 2020 की शुरुआत से वयस्कों की तुलना में रोजगार में बहुत अधिक प्रतिशत नुकसान का अनुभव किया है। यानी कि इन्होंने 2020 में जो नोबेल जो कोविड की महामारी आई थी उसमें रोजगार आप बहुत ज़्यादा गए हैं दोस्तों लोगों के, और जिसकी वजह से बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं, और जो इनमें रोजगार का जो प्रतिशत है वो इन युवाओं का ज़्यादा प्रतिशत है। बेरोजगार युवाओं की कुल वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2022 में 73 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान, यानी कि यह लगातार बढ़ रही है।
वर्ष 2021 से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी वर्ष 2019 के पूर्व महामारी स्तर से 6 मिलियन अधिक है, यानी कि जो पूर्व का है उससे यह आज भी अधिक और है। परंतु 2021 से जो कुछ सुधार हुए हैं उसमें यह थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन 2019 के जो पूर्व महामारी स्तर से 6 मिलियन अधिक है। क्षेत्रीय अंतर जानते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय अंतर क्या है इसके? युवा बेरोजगारी में सुधार एक और निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों और दूसरी ओर उच्च आय वाले देशों के बीच विचलन का अनुमान है, यानी कि जो युवा बेरोजगारी में सुधार है दोस्तों, वो एक और तो मध्यम आय वाले देश थे, एक और तो निम्न और मध्यम आय वाले देश है, और दूसरी ओर जो उच्च आय वाले देश है उनके बीच विचलन का एक अनुमान है कि यहाँ पर ज्यादा और कम हो सकते हैं और बढ़ सकता है इनके बीच का अंतर। उच्च आय वाले देश वर्ष 2022 के अंत वर्ष 2019 के समान युवा बेरोजगारी दर हासिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि जो उच्च आय वाले देश है वो 2022 के अंत तक 2019 के जैसी स्थिति को हासिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं, या कि वो वापस उसी स्थिति में चले जाएं या फिर उससे कम हो सके, या थोड़ा जो हाल की स्थिति है उससे कम होने की आशा कर रहे हैं। इस बीच दूसरे देश के आय समूहों में दरें उनके पूर्व संकट मूल्यों से 1% से अधिक रहने का अनुमान है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हरित और नीली अर्थव्यवस्था के लाभ जानते हैं दोस्तों। इसमें कि हरित और नीली अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो हमारी ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी है, जो अभी यानी कि ब्लू इकोनॉमी यानी ओशियन और ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी ग्रीन तरीके से यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे संबंधित में किस प्रकार से हमको अर्थव्यवस्था में और रोजगार में लाभ मिल सकता है। हरित और नीली अर्थव्यवस्था के विस्तार जो क्रमशः पर्यावरण और स्थायी महासागरों के आसपास केंद्रित थे, यानी कि जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है वो हमारे पर्यावरण के आसपास और नीली अर्थव्यवस्था हमारी महासागरों के संसाधनों के आसपास केंद्रित है, से लाभान्वित होने के लिए युवा लोगों को उचित अवसर प्रदान किया गया था। यानी कि जो हमारी ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, इससे हो सकता है कि इससे इकोनॉमी 2019 में 2019 के बाद जब कोविड के समय हमको बहुत नुकसान हुआ है, परंतु अगर ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को अगर अब भी फायदा उठाया जाए तो हम उससे बहुत सारे रोजगार और का सृजन कर सकते हैं। वर्ष 2030 तक ग्रीन और ब्लू इन्वेस्टमेंट के माध्यम से युवाओं के लिए विशेष रूप से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय कृषि, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यानी कि जो ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी में हम 2030 तक वर्ष 2030 तक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से युवाओं के लिए जो विशेष रूप से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगा, जिसमें संधारणीय कृषि हो सकती है, जिसमें पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों से अतिरिक्त यानी कि लगभग 8.4 मिलियन रोजगार को हम सृजित कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड कवरेज और रोजगार। वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज प्राप्त करने से वैश्विक स्तर पर 24 यानी 24 मिलियन से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है, यानी कि जो 2030 तक सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कवरेज अगर प्राप्त कर सकते हैं तो उससे वैश्विक स्तर पर 24 मिलियन से अधिक रोजगार सृजन करने की संभावना है। देखभाल क्षेत्रों में निवेश से 2030 तक युवाओं के लिए 17.9 मिलियन अधिक रोजगार सृजित होंगे। अब जो यहाँ पर कहा गया है ब्रॉडबैंड कवरेज और रोजगार, इसमें हम देखते हैं रोजगार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 5G आ रहा है, और उसके अलावा 6G ट्रायल हो रहे हैं, वाईफाई के अन्य और अन्य नए नए अपडेट में नई नई चीजें हो रही है। इस प्रकार से नेटवर्क वगैरह में जो नई रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नई कंपनियां भाग ले रही है तो वो लोगों को रोजगार देगी। इस प्रकार से लगभग इसमें 24 मिलियन से अधिक रोजगार सृजन किया जा सकता है 2030 तक, क्योंकि तब तक प्रौद्योगिकी में और बदलाव आएंगे, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण होगी। अब जो आज जिन गाँव में आज नहीं है, हो सकता है 2030 तक वहां तक पहुंच जाए, जहां पर बहुत स्लो नेटवर्क चलता है वहां पर हो सकता है बहुत अच्छा नेटवर्क पहुंच लग जाए, क्योंकि अभी 5G आया है, उससे भी बहुत सारी आशाएं लगाई हुई हैं लोगों ने, और इस प्रकार से इसमें इतने रोजगार की संभावना देखी जा रही है। और 2030 तक जो युवाओं के लिए है देखभाल क्षेत्रों में, यानी कि जो देखभाल वाले क्षेत्र हैं उनमें 17.9 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित करने की आशा देखी जा रही है।
भारत से संबंधित निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों इसके बारे में कि भारत से इसके रोजगार में किस प्रकार से संबंधित है। ये युवा रोजगार में गिरावट, वर्ष 2020 में इसके मूल्य के सापेक्ष वर्ष 2021 के पहले 9 महीने में युवा रोजगार भागीदारी दर 0.9 की गिरावट आई है। यानी कि जो 2021 की जो पहले 9 महीनों में युवा रोजगार की जो भागीदारी थी उसमें 0.9% की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में वयस्कों के लिए इसमें 2% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो वयस्क व्यक्ति हैं उनमें 2% की वृद्धि हुई है, परंतु तो जो युवा रोजगार करते हैं उनमें 0.9% की गिरावट आई है। क्योंकि अब इतना 2% की वृद्धि कैसे हो गई है और इसमें 0.9% की गिरावट कैसे आई है? हो सकता है दोस्तों जो वयस्क उनमें स्किल्ड हो सकते हैं वो, जबकि युवा में जो शुरुआती दिनों में लगे होते हैं वो इतनी स्किल्ड ना हो, इसलिए भी जो 2020 और 21 में जो अपन कोरोना आया था उसके कारण बहुत सारों को नौकरियां गंवानी पड़ी। और जो 2000 जो हमने वापिस इसमें 2021 के बाद जो हम कोरोना में थोड़ा सुधार कर पाए हैं और वापिस हमारी स्थिति सुधार करने में लगे हैं, तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को नौकरी मिली है जिनकी नौकरी गई थी, उनमें जो स्किल पर्सन है उनको वो पहले नौकरियां मिली है, उस कारण भी इनके बीच में अंतर आया है। उसके आगे देखते हैं तो 15 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के लिए यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। यानी कि 15 से 20 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवा हैं उनको यह स्थिति उनमें यह ज्यादा गिरावट आई है। और महिलाओं की रोजगार क्षेत्र में निम्न भागीदारी, महिलाओं के रोजगार क्षेत्र में तो देखते हैं दोस्तों आगे, युवा भारतीयों भारतीय महिलाओं ने वर्ष 2021 और 22 में युवा भारतीय पुरुषों की तुलना में सापेक्ष रोजगार में कमी का अनुभव किया है। यानी कि 2021 और 2022 में जो जो रोजगार सापेक्ष रोजगार आए हैं उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की और भी कमी है। जैसा कि रोजगार में कमी तो सभी क्षेत्रों में आई है, पर महिलाओं के क्षेत्रों में यह पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सामान्य तौर पर भारत में उच्च युवा रोजगार में गिरावट वैश्विक स्तर पर औसत रोजगार में आने वाली कमी को दर्शाती है। यानी कि जो भारत में उच्च युवा रोजगार में जो गिरावट आती है वो वैश्विक स्तर पर जो औसत रोजगार में आने वाली कमी को दर्शाती है। यानी कि जो भारत में जो रोजगार में यानी कि सामान्य तौर पर भारत में उच्च युवा रोजगार में गिरावट वैश्विक स्तर पर औसत रोजगार में आने वाली कमी को दर्शाती है। यानी कि जो भारत में उच्च युवा रोजगार में जो गिरावट आएगी उसी को हम वैश्विक स्तर पर औसत रोजगार में आने वाली कमी को भी दर्शाने के रूप में देखते हैं। वैश्विक श्रम बाजार में युवा भारतीय पुरुषों की भागीदारी 16% है। यानी जो वैश्विक श्रम बाजार है उसमें भारतीय युवा पुरुषों की भागीदारी 16%, जबकि भारतीय महिलाओं की भागीदारी मात्र 5% थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में भी कितना बड़ा अंतर आ रहा है वैश्विक वैश्विक श्रम बाजार में पुरुषों और महिलाओं भारतीय महिलाओं के बीच में। ऑनलाइन शिक्षा में अंतराल, सभी विद्यालय लगभग 18 महीने तक बंद रहे और 24% बच्चों में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8% और शहरी क्षेत्रों में 23% बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पर्याप्त पहुंच थी। इसका भी एक रोजगार में असर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा में पिछड़ गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। यह हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि 24% बच्चों में ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 8% ही है और शहरी क्षेत्र में 23% बच्चे हैं। विकासशील देशों में ऑनलाइन संसाधनों तक अत्यधिक असमान पहुंच को देखते हुए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच लगभग नहीं के बराबर थी। यानी कि जो विकासशील देश है जो विकसित हो रहे हैं उन देशों में ऑनलाइन संसाधनों का अत्यधिक असमान पहुंच था, क्योंकि वहां पर कुछ अत्यधिक गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं। इस कारण जो गरीब हैं उनके पास इतने ऑनलाइन संसाधन नहीं थे कि वह अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकें या उनकी ऑनलाइन ऑनलाइन संस्थानों से पढ़ सकें। इसलिए भी शिक्षा में वो पिछड़ गए हैं इस कोरोना काल में, और सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार है उनमें यह असमानता ज्यादा देखी गई असमानता ज्यादा देखी गई है। सीखने की प्रक्रिया का प्रतिगमन, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर भी असर पड़ा है इसका। विद्यालयों के बंद होने से न केवल नई शिक्षा नीति बाधित हुई बल्कि सीखने की प्रक्रिया का प्रतिगमन की घटना भी हुई है। यानी बच्चे ये भूल गए कि उन्होंने पहले क्या सीखा था, यही हो क्या सीखा था। यानी कि जो बच्चे थे छोटे बच्चे या फिर जो भी अपनी क्लास में पढ़ रहे थे
जिन्होंने जिन तक शिक्षा सही सही तरीके से नहीं पहुंच पाई या जिन्होंने जो अपनी शिक्षा को ऑनलाइन सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए, उनके साथ यह समस्या आई है कि वह जो अपने पूर्व क्लासों में पढ़ा था या जो भी वो पढ़ रहे थे उसको वह सही तरीके से सीख नहीं पाए और जो पूर्व में पढ़ा था वह भूल गए हैं। भारत में औसतन 92% बच्चों ने कम से कम एक भाषा में मूलभूत क्षमता खो दी और 82% ने गणित में मूलभूत क्षमता खो दी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 92% है औसतन, उन्होंने कम से कम एक भाषा में जिस भाषा को वो पढ़ते थे, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ रहा है और जैसे कोई हिंदी बेल्ट का बच्चा है और कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, तो हो सकता है उसकी पढ़ाई जो सही नहीं हो रही थी उसने इंग्लिश में जो उसकी क्षमता विकसित हो रही थी उस क्षमता को भी इस कार में खो दिया। और जो 82% ने गणित में मूलभूत क्षमता खो दी, यानी कि जो 82% है उन्होंने गणित में मूलभूत क्षमता खो दी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण या शहरी हो, बस शिक्षा अगर उस तक नहीं पहुंची है या शिक्षा का उस पर उस काल में शिक्षा वो सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाया है तो उसके साथ यह घटनाएं सामान्य है या सभी बच्चों के साथ ये सामान्य तौर पर हुई है। शिक्षकों को कम वेतन का भुगतान भी करना पड़ा है क्योंकि रोजगार वह जो वेतन थे वो लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को पैसा नहीं कमा पा रहे थे, जिस कारण शिक्षकों को भी कम वेतन लेना पड़ता था। बीच में अध्ययन में पाया गया कि गैर सरकारी विद्यालय में शिक्षकों को अक्सर सरकारी विद्यालय की तुलना में काफी कम वेतन का भुगतान किया जाता है। यानी कि गैर सरकारी विद्यालय है उनमें अक्सर सरकारी विद्यालय की तुलना में जो कि प्राइवेट है और जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स वालों को जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनके मुकाबले कम वेतन मिलता है जब देखा जाता है। भारत, केन्या, नाइजीरिया और पाकिस्तान में कम शुल्क वाले निजी विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य क्षेत्र में उनके समकक्षों को मिलने वाले वेतन के 8वें भाग या 50% के बीच भुगतान किया जाता है। यानी कि जो सरकारी विद्यालय में किसी टीचर को पे सैलरी है उसका लगभग या तो 8वां भाग या फिर उसका 50% ये भुगतान किया जाता है जो कि उसी के समकक्ष प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है टीचर उसको। घरेलू कार्य का अत्यधिक अत्यधिक अनौपचारिक होना, भारत में घरेलू कार्य को अत्यधिक अनौपचारिक कार्य के रूप में देखा जाता है जिसका पारिश्रमिक अत्यंत कम है और साथ ही महिलाओं और लड़कियों को दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। जो घरेलू कार्य है दोस्तों उसको भी बहुत ही यह देखा जाता है कि यह कोई कार्य नहीं, यह तो एक जिम्मेदारी है और इसलिए इसको कोई पारिश्रमिक रूप से नहीं देखा जाता है और देखा जाता है तो बहुत भी कम ही देखा जाता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इसको एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है और जो माता है या घर की महिलाएं हैं उनको इसमें निपुण होना और अच्छे होने पर एक गौरवान्वित होने का भी एहसास दिलाया जाता है। और जो लड़कियां और महिलाओं को दुर्व्यवहार कई 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 बार इसमें दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है उनके ससुराल या फिर कई बार अपने घरों में ही। युवा घरेलू कामगारों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट आम है जिनमें मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण शामिल है। हम देखते भी हैं दोस्तों आए दिन अखबारों में, न्यूज़ में कि कई महिलाओं के साथ, कई पुरुषों के साथ भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, हम महिलाओं के साथ होने वाले में उनका अनुपात ज्यादा है जबकि पुरुषों का कम है, जिसमें मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण शामिल है। महिलाओं के साथ यौन शोषण की खबरें बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। और जो कामगार है, युवा जो घरेलू कामगार है उनमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है। अनुशंसाएं इसकी क्या है, इस रिपोर्ट की अनुशंसाएं क्या है दोस्तों ये जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के साथ साथ सभी युवा रोजगारों के लिए कार्य करने की अच्छी परिस्थितियों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि इसने अनुशंसा की है कि जो परिस्थितियां हो कार्य करने की वो अच्छी होनी चाहिए सभी के लिए। युवा श्रमिकों हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे मौलिक अधिकारों और सुरक्षा का आनंद ले सके। यानी कि जो युवा श्रमिक है उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए उनके साथ कि वे जो अपने मौलिक अधिकार है उनके साथ उनको सुरक्षा का भी एहसास हो, जिसमें संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न से मुक्ति शामिल हो। इस प्रकार उनको विभिन्न अधिकार दिए जाने चाहिए।
और जो कार्यस्थल पर हिंसा और उस पे मुक्ति का शाम उत्पीड़न और मुक्ति शामिल हो उनके अधिकारों में। युवा लोगों को अच्छी तरीके से काम करने वाले श्रम बाजार के साथ श्रम बाजार में पहले से ही भाग लेने वाले वालों के लिए अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही उन लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर जो अभी तक इसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर इसका भी प्रावधान इसका भी अनुशंसा की गई है कि जो अभी इसमें प्रवेश नहीं किए हैं इस जो श्रम बाजार में और जो श्रम वगैरह शुरू अब नहीं आए हैं इसमें, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके और उनको उसका वेतन अच्छे मिल सके और अपना रोजगार में रोजगार को वो अच्छी तरीके से कर सके। देखिए दोस्तों, रोजगार पहले उसी को मिलेगा जिसमें गुण है, जिसमें स्किल है, जो प्रशिक्षित है। अगर दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति प्रशिक्षित है, उसके अंदर सारी स्किल है और व्यक्ति कुछ नहीं आता है, तो उस जो रोजगार वह करने जाएगा उसमें प्रशिक्षित व्यक्ति को पहले रोजगार मिलेगा। इसलिए भी युवा व्यक्तियों को युवा लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत ज्यादा है ताकि वह श्रम बाजार में अच्छे से भाग ले सके और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जानते हैं विगत वर्षों के में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इसमें एक प्रश्न आया था दोस्तों पहले कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित है, यानी कि देख सकते हैं आप जो हमारे कन्वेंशन है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, उसमें दे रखा है एक बाल श्रम जो 2018 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि प्रथाओं को अनुकूलन, खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियम, कार्यस्थल पर लिंग समानता। अब इसमें से आपको यह बताना है दोस्तों कि किस श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित है, यानी कि वह ये दोनों कन्वेंशन किस चीज से संबंधित है। जानते इसके उत्तर, व्याख्या देखते हैं। 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के न्यूनतम आयु सम्मेलन 1973 और बाल श्रम कन्वेंशन के सबसे खराब रूप 1999 संख्या 182 के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। यानी कि तो जो 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल था भारत सरकार का, उसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम आयु सम्मेलन जो हुआ था 1973 में नंबर 138 का, और जो बाल श्रम कन्वेंशन है जो कि 1999 में संख्या उसकी 182 के अनुसमर्थन को मंजूरी दी, यानी इसको समर्थन को मंजूरी दी थी। तो आप देख सकते हैं ये 138 है, 138 है और ये 182। तो इस प्रकार से हमारा ए उत्तर सही है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, दूसरे प्रश्न दूसरे उत्तर को भी दूसरे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। कन्वेंशन 138 क्या कहता है इसको जानते हैं पहले। कन्वेंशन 138 भारत कन्वेंशन 138 की पुष्टि करने वाला 170वां आईएलओ सदस्य राज्य है। यहाँ पर राज्य का मतलब दोस्तों कि राज्य यानी कि देश से संबंधित है, यह भारत में स्थित राज्यों के समान नहीं है, जिसके लिए राज्य पार्टियों को न्यूनतम आयु निर्धारित करने की आवश्यकता होती है इसके तहत किसी को भी रोजगार या किसी भी व्यवसाय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय हल्के काम और कलात्मक प्रदर्शन के। यानी कि जो एक आयु निर्धारित की जाएगी जिसके तहत हर किसी को भारी मतलब किसी आयु की निर्धारित की जाएगी, उस आयु के निर्धारण के हिसाब से ही वह व्यक्ति हल्के काम और कलात्मक प्रदर्शन के रूप में कार्य कर सकता है। वो उस आयु के हिसाब से ही अपने कार्य को कर सकता है जिस आयु के अंदर वह आता है और जिस आयु के उस आयु के अंदर जिन कार्यों को दिया जा सकता है वह उन्हीं कार्यों को कर सकता है। पढ़ते हैं आगे, कन्वेंशन 182 के बारे में जानते हैं दोस्तों क्या है यह। कन्वेंशन 182 की पुष्टि करने के लिए भारत आईएलओ का 181वां सदस्य राज्य भी बन गया है। यानी कि जो 182 कन्वेंशन किया था उसमें भारत ने 181वें देश राज्य के रूप में बना है। यह गुलामी, जबरन श्रम और तस्करी सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के निषेध तथा अनुकूलन का आह्वान करता है। यानी कि जो कन्वेंशन 182 है वह इन सब चीजों का आह्वान करता है, जिसमें गुलामी की मनाही है, जबरन श्रम की मनाही है, तस्करी सहित बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के निषेध उन्मूलन का आह्वान करता है, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग यानी कि जो
सशस्त्र संघर्ष होता है उसमें बच्चों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वेश्यावृत्ति अश्लील साहित्य एवं अवैध गतिविधियों के लिए किसी बच्चे का उपयोग और खतरनाक काम आदि में बच्चे का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस कन्वेंशन के मुताबिक यह बताया गया था और भारत ने इसको अपनाया और उसको अपनाने में यह 181वां सदस्य राज्य बना था। ये सभी बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुरूप है और जो भारत में बाल श्रम अधिनियम 2016 बना था उसमें जो आईएलओ के कन्वेंशन हुए थे 182 और 138, इनको इन कन्वेंशनों के जो इनमें जो उल्लेख था उन सभी को इन्होंने इस 2016 वाले हमारे बाल श्रम संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था। जो किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार या काम करने की पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको रोजगार या काम करने की पूरी तरीके से प्रतिबंधित, अगर उनसे काम कराया गया तो उस पर उचित दंड, जुर्माना, जो भी सजा का प्रावधान है वह लागू किया जाएगा, तथा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों के रोजगार को भी प्रतिबंधित करता है। यानी कि जो खतरनाक व्यवसाय आ गए, व्यवसाय हुए जैसे माइनिंग वगैरह, उनमें भी किशोरों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है, किशोरों यानी कि 14 से 18 वर्ष के बीच में के बच्चों में। इसके अतिरिक्त बाल श्रम निषेध और विनियमन केंद्रीय नियम है, यानी कि यह केंद्र के द्वारा नियम है ये, जैसे कि हाल ही में संशोधित किया गया है। पहली बार बाल एवं किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव तथा पुनर्वास के लिए एक व्यापक और विशिष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। यह इन बच्चों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है किस प्रकार से उनकी श्रमिकों की रोकथाम हो सकती है, उनको निषेध से किस प्रकार के कानून बचाएंगे, उनका बचाव कैसे होगा और उनका पुनर्वास कैसे करना है, उसके लिए भी एक व्यापक विशिष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। इसी के साथ दो प्रमुख आईएलओ सम्मेलनों के अनुसमर्थन के साथ भारत ने 8 प्रमुख आईएलओ सम्मेलनों में से 6 की पुष्टि की है, यानी कि इन दो प्रमुख आईएलओ के अनुसमर्थन के साथ ही भारत ने 8 और अन्य आईएलओ सम्मेलनों में से 6 की पुष्टि की है। 4 अन्य सम्मेलन जबरन श्रम के उन्मूलन, समान पारिश्रमिक और रोजगार तथा व्यवसाय में पुरुष एवं महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करने से संबंधित है, यानी कि जो 4 अन्य जो हमने इन दो के अलावा जो 4 अन्य जो हमारे सम्मेलन है जिनकी भारत ने पुष्टि की है उनमें से यह है, जबरन श्रम का उन्मूलन है, समान पारिश्रमिक और रोजगार है तथा व्यवसाय में पुरुष एवं महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, इनसे संबंधित है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 बाल श्रम 2018 से संबंधित है, यह इसमें वैश्विक जलवायु की कोई बात नहीं है, खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का कोई बात नहीं है और कार्यस्थल पर लिंग समानता सिर्फ यही इसका मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो कार्यस्थल पर लिंग समानता हुआ है पर वो 130 और 182 से संबंधित नहीं है, वह दूसरे कन्वेंशन से संबंधित है। इस प्रकार जो हमारा बाल श्रम कन्वेंशन इसका सही उत्तर होता है और हमने इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देखी है दोस्तों, आईएलओ के बारे में कुछ जानकारी देखी है। यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।